दोस्तों आज हमारे पास है 2023 मॉडल यमाहा की MT-15। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, ये 2023 मॉडल है। आप लोगों ने एक न्यूज़ सुना होगा अभी रिसेंटली कि इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलने वाला है। तो आप लोगों ने सही सुना है, इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलने वाला है। उसकी बात हम आगे करेंगे, सबसे पहले हम इसके प्राइस एंड वेरियंट की बात कर लेते हैं। तो वेरिएंट की बात करें तो आपको दो वेरिएंट वैसे देखने को मिलने वाले हैं, उसे कलर के हिसाब से चेंज किया गया क्योंकि उसमें प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलने वाला है लमसम 1000 का। बात करें आज हमारे पास है ब्लैक मेटैलिक कलर, ये सबसे सस्ती आपकी MT-15 रहने वाली है। इसके ऊपर आपके तीन कलर आते हैं, जैसे आपका व्हाइट आ जाएगा, एक ग्रे आ जाएगा, दूसरा आपको ब्लू मिलने वाला है। उसके प्राइस ज़्यादा रहने वाले हैं 1000। तो इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करें मुंबई की, आपको पड़ने वाले 2,01,100 रुपये के आसपास विद एसेसरीज। में आपको प्राइस बता रहा हूँ, जिसमें आपको हेलमेट मिल जाएगा, पार्किंग कवर मिलने वाले, सीट कवर मिल जाएगी, बाकी जो भी होती है जेन्युइन एसेसरीज यमाहा की तरफ से वो सब कुछ आपको मिलने वाले इसके साथ में। एंड अभी बात कर लेते हैं हमारे तीनों कलर की जो हमारे रहने वाले हैं इसको ऊपर के, जैसे आपका व्हाइट, ग्रे एंड ब्लू वाला, उसका ऑन रोड प्राइस आपको मुंबई के पड़ने वाला है 2,02,300 रुपये के आसपास। ये प्राइस मैं आपको विद एसेसरीज बता रहा हूँ। बाकी इस शोरूम का आप नाम देख सकते हो, ये रहा हमारा शोरूम, इसका एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं फाइनल बात की डुअल चैनल ABS के बारे में। अगर जो हमारी डुअल चैनल ABS वाली MT आएगी, अभी तो फिलहाल सिंगल चैनल ABS वाली है जो आएगी, उसमें सिर्फ आपको डुअल चैनल ABS ही देखने को मिलने वाला और कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। और अगर हम उसकी प्राइस की बात करें 10,000 उसकी प्राइस ज़्यादा रहने वाले जो अभी मार्केट में प्राइस चल रही है, अभी 2,00,000 के आसपास आपको प्राइस देखने को मिल जाती है। और उसकी और प्राइस आपको पड़ने वाली है 2,10,000 के आसपास। अगर वो डुअल चैनल ABS वाला मॉडल आएगा तो उसका रिव्यू का वीडियो भी चैनल पर आने वाला है, मेरे हिसाब से 15 डे के अंदर वो आने वाला है, जहाँ तक मुझे पता चला है। अभी हम जान लेते हैं इस बाइक के बारे में। तो सबसे पहले हम फ्रंट लुक की बात कर लेते हैं। सो फ्रंट लुक इसका कुछ ऐसे दिखने वाला है। सबसे पहले आपकी नजर पड़ने वाली है इसकी हेडलाइट पे, जो कि एकदम पैंथर वाला लुक देती है। मुझे तो इसकी हेडलाइट बहुत पसंद है। हेडलाइट की बात करें तो आपको LED प्रोटेक्टर हेडलाइट मिल जाती है, साथ में आपको DRL मिलने वाले जो कि LED मिलते हैं। ऑन होने के बाद बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, खासकर रात के समय में। एंड इंडिकेटर की बात करें तो आपको हैलोजन बल्ब मिल जाते हैं। LED का ऑप्शन है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, एज ए एसेसरी लगवाना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा कुछ डिजाइन दिया गया है। हैंडल बार आप देख सकते हो ऐसा कुछ हैंडल बार आपको देखने को मिल जाएगा। अभी हम आ जाते हैं इसके नीचे, यहाँ पर आपका नंबर प्लेट लगने वाला है। और ये रहा आपका सस्पेंशन, आपको इसमें गोल्डन कलर के USD फोक सस्पेंशन मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छे सस्पेंशन होते हैं और देखने में बहुत ही गजब के दिख रहे हैं। आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी हम जान लेते हैं इसके रियर सस्पेंशन के बारे में। रियर सस्पेंशन की बात करें तो आपको इसमें मिलने वाला है मोनो शॉक सस्पेंशन, जो कि एक अच्छा सस्पेंशन होता है और आप उसे एडजस्ट भी कर सकते हो, जैसे आपकी हाइट हो, जैसे आपको ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर राइड करना हुआ। तो सस्पेंशन के मामले में काफ़ी अच्छी आपको बाइक देखने को मिलने वाली। अभी हम बात कर लेते हैं इसके मडगार्ड की। मडगार्ड आपको काफ़ी स्पोर्टी फील देगा, थोड़ा कफ से आपको सेफ देखने को मिल जाएगा। एंड ब्लैक एंड ग्लोसी फिनिश के साथ में आपको मिलने वाला है ये मडगार्ड। यहाँ पर आपको ABS की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। अभी हम बात कर लेते हैं इसके टायर, व्हील एंड ब्रेक के बारे में। टायर की बात करें तो आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा, जो कि हमारा ब्रांड का रहने वाला है। एंड टायर साइज की बात करें, फ्रंट में आपको मिलने वाला है 100x80 का। एंड अगर हम इसके व्हील की बात करें तो आपको अलॉय व्हील मिल जाएगा, जिसकी आपको फ्रंट एरिया में सेम ही देखने को मिलने वाले 17 इंच। एंड ब्रेक की बात करें, काफी बड़ा आपको डिस्क साइज देखने को मिलने वाला है, फ्रंट एंड रियर दोनों में देखने को मिलेगा। साथ में आपको मिल जाएगा इसमें सिंगल चैनल ABS, डुअल चैनल ABS वाला आने वाला है मॉडल। यहाँ पे आपको बाइब्रेक के पैक हेल्पर मिल जाते हैं। एंड व्हील ये जो ब्लैक कलर पे है बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। सो हम रियर व्हील की बात कर लेते हैं। रियर व्हील की अगर हम बात करें, आपको ट्यूबलेस रेडियल टायर मिल जाता है। सो रेडियल के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, कॉर्निंग पे अच्छी खासी ग्रिप देती है, एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होते हैं, बाइक फिसलती भी नहीं है। रियर टायर साइज की बात करें तो आपको मिलने वाला है 140x70 सेक्शन का। एंड व्हील आपको वही मिलने वाली है ब्लैक एंड ग्लोसी फिनिश में 17 इंच की। डिस्क साइज आपको फ्रंट के कंपेरिजन में छोटा देखने को मिलने वाला है और साथ में आपको मिल जाएगा सिंगल चैनल ABS। MT के मुझे यही कमी लगती है कि इसमें अभी आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिल जाता है, लेकिन फिलहाल वो भी कमी पूरी होने वाली है। डुअल चैनल ABS वाला मॉडल आ जाएगा 10-15 दिन के अंदर, तो वो भी कमी पूरी होने वाली है। अभी हम जान लेते हैं इस बाइक को साइड से। साइड की बात करें, ये रही इस बाइक की स्टीयरिंग। यमाहा का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा, ऐसा कुछ स्टिकर वर्क, बहुत ही अच्छा आपको टैंक काउंट देखने को मिलने वाला। और यहाँ से देख सकते हैं, इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखेगी। MT की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे आपको यूनिक सा ग्रिप देखने को मिल जाएगा। सो इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखी, यहाँ पे आपको यूनिक सा डिजाइन देखने को मिल जाता है। इंजन की बात करें तो आपको यमाहा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे हो। नीचे प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसा भी लगाया गया है ताकि आपके इंजन गंदा ना हो। और यहाँ पे ये आपका कूलिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम आपको मिलने वाला है लिक्विड कूल। सो इस इंजन की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होने वाली है। एंड जो हीट
वेटिंग की प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाएगी। बाकी इंजन एक बार आप फिर से देख लो ऐसा कुछ दिखने वाला है। ये ब्लैक कलर एंड ये आपका एल्युमिनियम फिनिश ऐसा दिया गया है। यहाँ की बात कर लेते हैं, ये आपका ब्रेक पैड रबर फिनिश के साथ में मिल जाएगा। ये आपका राइडर फुटरेस्ट, पिलियन राइडर फुटरेस्ट, ये रहा इसका एक्चोस। यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर फिनिश का आपको टच देखने को मिलेगा जो कि थोड़ा स्पोर्टी फील दे रहा है। बाकी एक्चोस कुछ ऐसे दिखने वाला है। एंड सीट काउल आप देख सकते हो यहाँ से, ऐसा कुछ आपको सीट काउल मिल जाएगा। स्टीकर वर्क यामाहा की ब्रांडिंग, इसे एज अ गैब्रियल बनाया गया है जो कि काफी यूजफुल है। ये रहा इसका फुल व्यू। ये बाइक राइट साइड से कुछ ऐसे दिखने वाली है। ये ब्लैक कलर में बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। सच्ची बोले तो मुझे इसका ब्लू कलर ज्यादा अच्छा लगा। बाकी आप लोग कौन सा कलर अच्छा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अभी हम बात कर लेते हैं इस बाइक के टेल सेक्शन के बारे में। टेल लाइट की बात करें तो आपको काफी स्टाइलिश टेल लाइट देखने को मिल जाते हैं जो कि एलईडी रहने वाले। इंडिकेटर आपको वही बल्ब मिल जाते हैं। सो ऐसा कुछ आपको मडगार्ड मिल जाएगा, दोनों तरफ आपको रिफ्लेक्टर मिलने वाला है। एंड टायर है जो कि इसके लुक को एनहेंस कर देता है। सो ओवरऑल ये बाइक रियर से कुछ ऐसी दिखेगी। ये बाइक फ्रंट एंड रियर दोनों तरफ से देखने बहुत ही खूबसूरत दिखती है। आ जाते हैं इस बाइक के लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड की बात के नीचे आने के बाद आपको सारी गार्ड मिल जाएगा, कॉम्पैक्ट सा छोटा सा। एंड आप चैन ड्राइव तो देख ही रहे हो ऐसे कुछ दिखने वाली है। उसके ऊपर आपको छोटी सी चैन कवर मिलने वाली है। ये रहा आपका पिलियन राइडर फुटरेस। यहाँ पे एक बात अच्छी लगी, अच्छा यहाँ पे भी छोटा सा मडगार्ड दिया गया है। सो इधर आ जाते हैं राइडर फुटरेस। गियर पैड, गियर बॉक्स की बात करें तो आपको 6 मिलने वाला है। पहला आपका नीचे लगेगा, बाकी के 5 ऊपर लगने वाले हैं। और ये रहा आपका साइड स्टैंड, डुअल स्टैंड, इसमें भी आपको नहीं मिलता R15 की तरह। इसमें आपको मिल जाता है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर। सो इससे आपकी सेफ्टी इनहेंस हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखेगी, एमटी की ब्रांडिंग जैसे हमने उधर देखा था। एंड सेम यूनिक सा टेक्चर, डिजाइन एंड टैंक आप देख ही सकते हो, सेम ग्राफिक्स। और ये आपका यामाहा का लोगो। और एक बात मुझे अच्छा लगा, नेट डेजर्ट ये आप देख सकते हो, आपको दोनों तरफ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी दिया है, उधर भी है। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और इसके लुक को काफी इनहेंस भी कर रहा है। अभी हम देख लेते हैं लेफ्ट साइड का फुल व्यू। तो दोस्तों ये बाइक लेफ्ट साइड से कुछ ऐसे दिखने वाले है, जैसे हमने राइट साइड से देखा था वैसे बाइक लेफ्ट साइड से दिखती है। काफी खूबसूरत लग रही है ये बाइक। और अभी हम बात कर लेते हैं इस बाइक के सीट कंफर्ट एंड फ्यूल टैंक के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे मीटर कंट्रोल के बारे में। सीट की बात करें तो आपको सिंगल सीट मिल जाती है, लेकिन कंफर्ट की बात करें दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या बोलते हैं वो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। राइडर को तो अच्छा कंफर्ट मिल जाएगा, लेकिन पिलियन राइडर को ओके टाइप के मिलने हैं। अगर आप सिटी राइड करते हो तो समझ लो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन अगर थोड़ा भी आप सोच रहे हो 15-20 किलोमीटर अगर आपको लॉन्ग राइड करना आप पिलियन राइडर को बैठा के, तब तो प्रॉब्लम होने वाली है। वो तो नहीं बैठ के जा पाएंगे कोई भी। और ऐसा कुछ आपको गैब्रियल मिल जाएगा, बाकी कुशनिंग आपको ठीक ठाक मिल जाती है। मतलब अगर आपको सिटी राइड करना है तो ये बाइक परफेक्ट रहेगा। मैं उनको ये बाइक रिकमेंड करूंगा जो सोलो राइडर होंगे। और हम बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक के बारे में। फ्यूल टैंक तो इसका काफ़ी स्टाइलिश है, आप देख सकते हो। ये सब आपको फाइबर वर्क के साथ मिल जाता है, लेकिन काफ़ी अच्छी फिनिशिंग एंड बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है। फ्यूल टैंक आपको इसमें 10 लीटर का मिल जाएगा। माइलेज काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, 45 के आसपास। और यहाँ पर आपको यूनिक सा टेक्सचर देखने को मिल जाता है जैसा कि आप देख पा रहे हो। और ये रही कि आपको ऐसी दो की मिलने वाले हैं। मुझे ना यामाहा की काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि अदर ब्रांड में देखा जाए तो पतली पतली की देते हैं, पता नहीं क्या मिल जाता है लोगों को कॉस्ट कटिंग करके की में, बल्कि की तो अच्छी देनी चाहिए ताकि गुम ना हो जाए। और मीटर कंसोल के बारे में जान लेते हैं। सो ये मैंने ऑन कर दिया, मुझे लगता है बैटरी कनेक्टेड नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपको इसके फीचर्स बता देता हूँ। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाता है, काफ़ी सारे आपको कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर मिल जाएगा एंड और भी काफ़ी सारे इंडिकेटर आपको मिलने वाले हैं। एंड सेट रिसेट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सो काफी कूल सा आपको मीटर कंसोल मिलने वाला। अभी हम बात कर लेते हैं इसके हैंडल बार के बारे में। आपका थ्रोटल होगा, ब्रेक लीवर, सेल्फ ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, किल स्विच। और इसमें आपको स्प्लिट रेसिंग हैंडल बार नहीं मिलता, बल्कि सिंगल आपको रेसिंग हैंडल बार मिल जाता है। यहाँ की बात के अपर डिपर, ये आपका हॉर्न हो जाएगा, इंडिकेटर, ये हो जाएगा क्लच लीवर। और आपको इसमें मिल जाता है स्लीपर का, जो कि काफी अच्छी बात रहने वाली है। अभी हम बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। आपको इसमें इंजन मिल जाएगा 155 cc का, जिसमें आपको पावर मिलने वाली है 18.4 PS एट 10,000 RPM पे। टॉर्क आपको मिल जाएगी 14.1 Nm एट 7,500 RPM पे। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर, 4 स्ट्रोक 4 वाल्व, EHOSC लिक्विड कूल FI, और साथ में आपको मिल जाएगा 6 स्पीड गेयरबॉक्स। तो इस बाइक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होने वाली है। और भी काफ़ी सारे कूल सी फीचर्स आपको इस बाइक में देखने को मिलने वाले हैं। जैसे आपको इसमें मिल जाता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, लीन एंगल सेंसर मिल जाता है। जब आपकी बाइक 45 डिग्री के नीचे जाएगी तो ऑटोमेटिक ये बाइक का इंजन ऑफ हो जाएगा एंड आपकी बाइक फिसल कर आगे नहीं जाने वाली है। और साथ में आपको मिल जाएगा साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर, और आपको मिल जाता है VVA, जिसे बोलते हैं वेरिएबल वॉल एक्चुएशन। इसकी वजह से आपको इस बाइक में टॉप एंड देखने को मिल जाता है। ये आपको R15 एंड MT साथ में M सीरीज में भी आपको देखने को मिल जाता है। इस वजह से ये बाइक अपने सेगमेंट की एक बेस्ट बाइक है। सिर्फ प्रॉब्लम यही इतनी है कि इसमें आपको पीएन कंफर्ट नहीं मिलता। बाकी अगर सेल की बात करें, ये R15 से ज्यादा सेल होती है MT आज के टाइम पे। बाकी अगर आपको अपने स्टेट का ऑन रोड प्राइस जानना हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आप लोग
ये भी बताएं ये वीडियो कैसा लगा और किस बाइक का मैं वीडियो लेके आऊँ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।